हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है, और धीरे 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 करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। जो इंसान कभी कहता था, मेरी नानी कहती है अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, मेरा राम लाला वहाँ नहीं रहेगा। जो कभी स्वास्तिक पवित्र निशान के पीछे झाड़ू वाली फोटो लगाकर दौड़ा रहा था स्वास्तिक के पवित्र निशान को, जिसके मंत्री, जिसकी पार्टी के लोग श्री कृष्ण, श्री राम, विष्णु, वर्मा, महेश जी की मंच के ऊपर से शपथ ग्रहण कर रहे थे कि इनको हम भगवान नहीं मानते, और जो इसको भगवान मानेगा हम उसका साथ नहीं, उसके साथ नहीं देंगे। गुजरात के लोगों ने क्या पटाया उसको, क्या उसके मुंह के ऊपर चांटे लगाए उसको, अपनी राजनीति से धर्म की मजबूरी समझ में आ गई, और आज वो रामलला की बात करने लगा, गणेश जी की बात करने लगा, लक्ष्मी जी की बात करने लगा। मुझे याद है भगवंत मान जी ने एक बार लोकसभा में कहा था, अच्छे दिन कब आएंगे। भगवंत मान जी से अच्छे दिन अब क्या आ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो नास्तिक था, जो भगवान को गालियां निकालता था, आज उसी भगवान को मानने को मजबूर हो गया। अब मोदी जी से अच्छे दिन और क्या ला सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मिरर नाउ।